आज की इस वीडियो में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ेंगे, उसकी ट्रिक देखेंगे कि कैसे पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस को इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के कुछ सिंबल्स हैं जो कि आप देख रहे हैं इस साइड। मेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्स अनस्पेसिफाइड। सपोज करो किसी प्रोजेनी के किसी टाइम 5 बच्चे थे, हमें नहीं पता है कि वो क्या थे, लड़के थे या लड़कियां थी या कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी, तो उनको लोग हम लोग इस सिंबल से यूज़ करते हैं जिसमें लिखा है सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर इन्हीं को अगर हम लोग डार्क कर दें, ब्लैक या रेड कर दें, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो किसी न किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है, उनको जेनेटिक डिसऑर्डर से। उसके बाद में अगर दो के बीच में अगर एक सिंगल लाइन दिख रही है आपको, ये आप जो देख रहे हैं सिंगल लाइन वो दिख रही है, उसका मतलब है कि उनकी मैरिज हो चुकी है। और अगर सपोज करो डबल लाइंस दिख रही है जो जैसा कि आप देख रहे हो, तो उसका मतलब होता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, दो किसी रिलेटिव्स के बीच में नज़दीक संबंधियों में मेटिंग। और अब जो नेक्स्ट सिंबल देख रहे हैं आप, उसका मतलब है दो पेरेंट्स हैं और उनके जो नीचे वाली लाइन्स जो हैं वो उनके प्रोजेनी को दिखाती है, उनके बच्चों को दिखाती है, ओके। और उसके बाद में थर्ड वाला अगर नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम लोग सिंबल की, वो क्या कर रहा है, एक प्रोजेनी है और उनका एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो कैसा है, वो डिजीज से ग्रसित है, एनसीईआरटी में सिंबल दे रखे हैं। और लास्ट जो दे रखा है उसमें लिखा 5 अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब 5 ऐसे थे बच्चे किसी प्रोजेनी के जिनके बारे में हमें नहीं पता था कि ये क्या है, मेल है या फीमेल है। तो अब हम इनको जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनको हमें नहीं पता, अब उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, उन पॉइंट को याद रखने आप, वो आपसे सारे पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से बनेंगे, कोई नहीं। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कि जो डिजीज होती है आपके पास में कौन सी वाली, अगर सेक्स लिंक्ड डिजीज है तो मेल में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फीमेल। फर्स्ट पॉइंट आपने देखा सेक्स लिंक डिजीज मेल में ज्यादा होगी फीमेल के अपेक्षा। अगर मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं इक्वली, तो कैसी हो जाएगी डिजीज आपकी, ऑटोसोमल हो जाएगी। दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं मतलब डिजीज कैसी है, ऑटोसोमल है, ठीक है। फिर आता है तो अपने पास चार ऑप्शन रहेंगे, सेक्स लिंक ऑटोसोम और ऑटोसोमल। दो तो ऑटोसोमल के आएंगे रिसेसिव एंड डोमिनेंट, और दो आएंगे सेक्स लिंक के ऑटोसोम रिसेसिव एंड डोमिनेंट। उसके बाद आता है ये बात रखेंगे हम लोग, सपोज करो पहले हम निकाल लेंगे कि सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोम से, आपको पता चल जाएगा कैसे, आप पता करने की कोशिश करोगे कि क्या वो सब में कॉमन है या मेल और फीमेल दोनों में इक्वल है, तो क्या होगा, ऑटोसोमल होगा डिजीज। और मेनली क्वेश्चन में ऑटोसोमल ही पूछा जाता है। ऑटोसोमल डिजीज की एग्जाम्पल आपको पता है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सारी डिजीज एनसीईआरटी में जो दे रखी है वही। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, अगर सपोज करो एक्स लिंक्ड है, आपको पता लग गया कि एक्स लिंक्ड है, तो उसमें क्या होगा, अगर वो डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो उसमें अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी जो होगी ना लड़कियाँ, जितनी भी लड़कियाँ होगी सारी की सारी अफेक्टेड होगी। पहले आपने पता किया कैसा है, आपने पता कर दिया कि सेक्स लिंक्ड है, तो फिर आपने क्या पता करोगे, उसकी लड़की को देखोगे, उसके मतलब एक पेरेंट को देखोगे, उसका अगर मेल अफेक्टेड है तो सारी की सारी लड़कियाँ अफेक्टेड होगी, ये पहचान होगी। और अगर वो एक्स लिंक्ड है और फीमेल, फिर आपने देखा वैसा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी किसी मदर को देखोगे और उसके अगर सारे लड़के अफेक्टेड हैं, तो आप क्या कहोगे, ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, ओके। और उसकी बात करोगे आप ऑटोसोमल की, तो अगर सपोज ऐसा करो आप, अगर आपको व्हाइट बॉक्स से ब्लैक बॉक्स आ रहा है, तो डिजीज कैसी है, रेसेसिव है। आप वैसे भी पता कर सकते हो, मैं फाइनली किस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या वो डिजीज मेल और फीमेल में कॉमन है, हाँ दोनों में अगर हैं तो डिजीज कैसी होगी, ऑटोसोमल होगी, ओके। दोनों में अगर हैं तो कैसी हो जाएगी, ऑटोसोमल हो जाएगी, नहीं है तो सेक्स लिंक्ड होगी। अब मेरे पास होगा डोमिनेंट या रेसेसिव, दोनों अलग अलग कवर हो गए। अब मैं देखूंगा डोमिनेंट है या रेसेसिव है, तो डोमिनेंट में मैं क्या करूंगा, अगर रेसेसिव है तो वाइट से ब्लैक मिलेगा मेरे को, वाइट से ब्लैक मिलेगा, और अगर वो नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो फिर वो ऑप्शन अलग चला जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं जो कि अपना एनसीईआरटी का, आप देख रहे हो इसमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है,
मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, मतलब डिजीज कैसी है, ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल डिजीज है। अब आपने को पता करना कि रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। तो देखो ये आपकी कैसे मिल रही है आपके, देखिए आप, ऐसा कभी भी नहीं मिल रहा है कि व्हाइट से ब्लैक मिल जाए अपने को, व्हाइट से ब्लैक या रेड मिल जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, रेड का रेड मिल रहा है। तो ये कैसी हो गई, डोमिनेंट हो गई। तो ये होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, जो कि अपना एनसीईआरटी में दिया है। आपने कैसे पता किया, आपने पता किया मेल और फीमेल दोनों में डिजीज हो रही है, दोनों में डिजीज हो रही है, उसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल डिजीज है। उसके बाद देखा कि ऐसा कभी नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोगों ने पहले ये बताया था कि अफेक्टेड से वाइट से अफेक्टेड मिल जाए, तो ऐसा नहीं मिल रहा, मतलब ये डोमिनेंट है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की डिजीज के आपको पता एग्जांपल्स होते हैं, जैसे डीएमडी होता है, डकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ओके। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है वो क्या रखा, देखो उसमें भी मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, मेल और दोनों फीमेल, दोनों मेल अफेक्टेड है और फीमेल अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि डिजीज की पॉसिबिलिटीज ऑटोसोमल्स की है, ऑटोसोम्स डिजीज है। तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे इनमें, इनमें चेक करेंगे कि क्या वाइट से ब्लैक आ रहा है। अब देखो ऊपर वाले दोनों पेरेंट्स जो है वो कैसे हैं, आपके पेरेंट्स को देखिए, अगर आप पेरेंट्स को देखोगे तो वो दोनों आपको कैसे मिल रहे हैं, दोनों आपको मिल रहे हैं वाइट, और उससे उसकी प्रोजेनिन कैसे आ रही है, ब्लैक आ रही है। तो आप ये बात याद रखना कि वाइट हैं पेरेंट्स, वाइट हैं और बच्चे अफेक्टेड आ रहे हैं, गर्ल्स और चाइल्ड दोनों अफेक्टेड आ रहे हैं, तो 101% ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होगी। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के बाद एग्जांपल आपको बहुत सारे याद है अपने एनसीईआरटी में, यानी कि ये बात याद रखना, आपके 199% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे।